नौनी जी राणा को मुसलमानों के 460,000 वोट गए थे टोटल। हम इसके खुद काम करने वाले लोग थे, 460,000 वोट का हमको ये सिला मिला। 5 साल जिल्लत की जिंदगी जीना पड़ा मुसलमानों को। मोदी सरकार 405 वोट जो कंट्रोल बिरी का खाते हैं, जो आईजी लोग हैं, वो तो अबकी बार चिल्लाएंगे। हम काय को बार चिल्लाएंगे, इस बार कांग्रेस चिल्लाएंगे। हमने भी मन से चुना था नवनीत राणा को, मगर ऐसा थोड़ी ना पता था कि ऐसा निकल जाएंगे। दोनों मियां बीवी इतने ताकत से मेहनत करे और इन्होंने आखिरी में सिला क्या दिया बेटा हमको? बंदरे के लिए तो जान कुर्बान करे इन्होंने, आखिरी में क्या मारे बेटा? आम्ही त्यांच्या मागास होतो आतापर्यंत, त्यांना वोटिंग केलं, पण या वेळेस नाही करणार। या वेळेस बलवंत वानगडे यांना आमचं पूर्ण घरातलं वोटिंग, आमचे जेवढे शेतकरी आहे, विकास तो दूर हे बंटी आणि बबली या दोन नेत्यांनी आम्हाला पूर्ण शेतकऱ्यांना भूमिहीन करून टाकलेलं। अभि तक नाले सपन आणि कभी आगा वहां पे तो पूरी ऐसी भी तैसी हो रही, चलो वहाँ पर। बोलते बोलते थक गए, इधर से नाली में बड़े पूरा पानी बहता हुआ, पानी यहाँ रुक गए, यहाँ लोग आ गया था पानी, यहाँ लोग क्या बोलना उनको, गया पूरा भर गया करके। आली 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 शुद्ध चिवराड़ी एक्सप्रेस, ओ आली 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 शुद्ध चिवराड़ी एक्सप्रेस। नमस्कार मित्रांनो, मी तुमची लाडकी विदर्भाची श्रुतिका गावंडे आणि आता आपण आलेलो आहोत अमरावती लोकसभा मतदारसंघातील बडनेरा विधानसभा मतदारसंघात। आता ह्या बडनेराचे जे 4 टर्म मध्ये कंटिन्यू असलेले जे आमदार आहेत रवी राणा, म्हणजे आत्ताच्या ज्या खासदार आहे नवनीत राणा यांच्या हस्बंड, तर इथं माहोल कसा आहे हे आपण आज पाहिलेलं आहे। कारण की गेल्या 4 टर्म पासून जर एकाच व्यक्तीला हे निवडून देऊन राहिले आहे तर मग तुम्ही याची निष्ठा माना लागेल। चला मग आता विचारू काका, बोला क्या बोलते चुनाव का माहोल? चुनाव का माहोल तो मालूम नहीं बेटा, किसके दिल में क्या है, आपके दिल में क्या है, मेरा अभी नहीं बता सकते, अभी नहीं बता सकते, जनता के मन में क्या है ये भी नहीं मालूम। मैं बोलता आपके दिल का राज मेरे को क्या मालूम, हाँ। मैं क्या बताऊंगा ऐसा है ना। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि 101%, हाँ। मेरे को ज्यादा फोकस करना, पंजे के अलावा कोई सीट जा सकती, नवनीत राणा बोलो या फिर दिनेश गुप बोलो, ये दोनों ही अमरावती जिले के लिए हानिकारक है। नवनीत राणा भी हानिकारक है, दिनेश बुक भी हानिकारक है। क्यों 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 ऐसे बोल रहे? क्योंकि दिनेश बुक वर्सेस नवनीत राणा दोनों ही बीजेपी के, दोनों ही एक गुट के आदमी है। जैसा बच्चू भाव कड़ू ये बीजेपी से एनडीए से समर्थन रखते है, नवनीत राणा ओरिजिनल एनडीए है, और रहा बलवंत भाव वानखड़े ये एक सामान्य इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, किसान का पुत्र है, अच्छा आदमी है, जो ना यहाँ पर कुछ माहौल ख़राब करेगा, न कोई धर्म को ख़राब बोलेगा, न किसी के लिए बुरा बोलेगा। एक इतना अच्छा आदमी हो, इसकी राहुल गांधी भी तुम्हारे बराबर इसकी बराबर नहीं कर सकता राहुल गांधी, क्योंकि जैसा हमारा इससे पहले 5 साल पहले नवनीत जी राणा को मुसलमानों के 460,000 वोट गए थे टोटल। हम इसके खुद काम करने वाले लोग थे, 460,000 वोट का हमको ये सिला मिला। 5 साल जिल्लत की जिंदगी जीना पड़ा मुसलमानों को, ओनली मुसलमानों को। और भैया बलवंत जी वालखड़े ये दरियापुर के आमदार है, रनिंग आमदार है, इनका एक ऐसा नेचर है कि ये सब धर्म को साथ में ले चले गए। दरियापुर से हमारे कुछ रिश्तेदार दोस्त आने वाले हैं, और ये सब कुछ बहुत से लोग हैं ऐसे जो दरियापुर को लेके चल रहे हैं। बाकी देश में मोदी की हवा है क्या? अरे मोदी की हवा कैसी रहेंगी यहाँ पर, मोदी हवा गई, मोदी हवा 2014 से 2019, और 2019 के बाद कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, इसके अलावा कोई हवा नहीं। तो पंजा आपको क्या लगता है? क्या बोल सकते बेटा, इसमें दिल दुखाए इन्होंने, इतनी मेहनत करने का, रवि राणा दोनों मियाँ बीवी इतने ताकत से मेहनत करे और इन्होंने आखिरी में सिला क्या दिया बेटा हमको? बंदरे के लिए तो जान कुर्बान करे इन्होंने, आखिरी में क्या मारे बेटा? जम के दम का मार दिया बेटा, तो हमारी बेटी जैसे
हम बुरा नहीं बोलते बेटा, मुसलमान लोग ऐसा कुछ नहीं, हमने तो साथ दिया बेटा उनको, आखिरी बार उन्होंने धोखा दिया तो फिर हम क्या कर सकते। कभी इस बार किसको सोचा बेटा? पंजा है हमारा, पंजा। पिछली बार भी आपने पंजा को देख के वोट किया था? नहीं, रवि राणा को दिया बेटा। रवि राणा? अरे वाह वाह, उनको भी मालूम है ये बार। अच्छा, हमने टोटल दिया बेटा हमको, आखिरी भी उन्होंने ऐसा जलील करे हमको का बस। आपका क्या कहना है? बोलना ही नहीं है, हट, मन ही नहीं बोलने का। अमरावती हम बटने रहे। अच्छा हाँ बताओ भैया, क्या किसको करेंगे वोट? बटन दो नंबर बलवंतराव वानखड़े। क्यों? अच्छे इंसान है। अच्छे इंसान है, स्वभाव अच्छा है। स्वभाव से थोड़ी ना दिए जाते वोट। नहीं नहीं, हमने भी मन से चुना था नवनीत राणा को, मगर ऐसा थोड़ी ना पता था कि ऐसा निकल जाएंगे। कैसे कैसे बोले तो, ना इधर आना, ना इधर ख्याल करना, ना विकास पर जोर देना बढ़नेरा में। अभी हर जगह हाईवे बन चुके हैं, हर स्टॉप यानी हर गांव के नक्शे बदल गए, मगर बढ़नेरा का नक्शा नहीं बदला। नहीं बदला, नहीं कुछ भी विकास हुआ ही। चार टर्म से आप रवि राणा को चुनके दे दिए, चुनके दिए ना, यहाँ सरकार की देन है हमारे अलमाशाह की। क्या बोले? पैसा भी खर्चा करे, जान से भी मेहनत करे उसके लिए, और आखिरी भी सिला कह दिया उसने। तो अभी इस बार रवि राणा का क्या? उनका भी नहीं है, आमदार में भी नहीं है। हाँ, वो आमदार में भी नहीं आएंगे चुनकर, 101 तक के बहुत से बहुत 10,000 वोट खाएंगे वो, जिसमें ST वोट रहेंगे और मराठा वोट रहेंगे, बाकी जितनी भी वोट लीड रहेंगी सब कांग्रेस या फिर शिवसेना बोलो या राष्ट्रवादी, जो भी टिकट मिलेंगी यहाँ पर उसे मिलेंगी, चाहे वो हिंदू समाज करो या मुसलमान समाज करो या ST समाज करो। ये जो आप बोल रहे कि दिल दुखाया, किस बात को लेकर बोल रहे? इन्हें पहले जो हमारे धर्म पे वार किया, सबसे पहला वार आमदार रवि राणा और नवनीत राणा, सबसे पहले हमारे धर्म पे वार किया। हर किसी को अपना धर्म प्यारा है, चाहे वो हिंदू रहो, ST रहो, पंजाब रहो, कोई पंजाबी रहो, कोई भी रहो, उसे अपना धर्म प्यारा है, उसके बाद में देश प्यारा है। इन्होंने दोनों के खिलाफ काम किया, देश भी खराब किया अमरावती जिला जैसा बोला जाएगा, और धर्म भी लोगों के खराब किए। ना खुद का धर्म का पता तो है नहीं है, कौन सा धर्म है करके, ना ST दिख रहा है, ना OBC दिख रहा है, ना कास्ट, कोई कास्ट दिख ही नहीं रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, ये तो न्यायालय बोले तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री साहब, इनकी देन है, उनको समाज देना, एक धर्म देना, सिवाय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके अलावा उनको किसी की देनी नहीं है। दूसरा है हमारे देवेंद्र फर्नांडिस जी, मैं एक शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे से नेतृत्व रखता हूँ, हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब जो है कट्टर हिंदुत्ववादी है, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं सर्वधर्म धर्म समान, मोदी साहब बोलते हैं सिर्फ ओनली सनातन धर्म, इससे देश चलता है क्या? सर्वधर्म ST भी है इसमें, जय भीम समाज हमारे इसमें, मुस्लिम समाज है, तेली समाज है, और जो बहुत से कास्ट है। आप तो भैया कल फेमस हो गए अभी, वो नहीं है। आप तो कल फेमस हो गए अभी, क्या बोलते हैं, किसकी हवा है? हाँ, अभी कैसा है माहौल है मोदी का? हाँ। है क्या ना, अभी मोदी का कांग्रेस का माहौल चल रहा है अभी। क्या बात कर रहे हैं, अभी मोदी का माहौल पूरे देश में मोदी मोदी चल रहा है? नहीं नहीं, इधर महाराष्ट्र में नहीं है हमारे मोदी, 400 पार बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मोदी का नहीं है इधर महाराष्ट्र के अंदर, कांग्रेस नहीं जा रहे, नहीं बोल रहे, हम कांग्रेस वादी और कांग्रेस को देंगे। क्या बात कर रहे हैं? अरे बाबा आप दिल से बोल रहे हैं, खुले आप बोल रहे दिल से, परंपरा हो जा रही है हमारे। अभी बढ़नेरा में चार टर्म से आप रवि राणा को चुन के दे रहे हैं, मगर हमको उसका ये बार नहीं पता, पिछली बार आपने नवनीत राणा को भी चुन के दिया, कौन नहीं बोल रहा, तो अभी इस बार क्या हो? नहीं इस बार नहीं देंगे। क्यों क्यों? हमको पसंद नहीं, पसंद ही नहीं, जातिवाद आ गया उसको। क्या जातिवाद आ गया? हमारे भोंके नीचे उतार दिया। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार बनती है हमारी, कांग्रेस की आप बताओ। मैं क्या बताऊँ, बेरोजगारी, महंगाई, परेशानी ज्यादा बढ़ गई, कंट्रोल फ्री का खा रहे लोग, रहती बंद रहे, इससे ज्यादा गोली दवा जिसको लग रही चार ही गोली अठाने में बिक रही, फिर फायदा क्या? घर टैक्स बढ़ाने को 1,000 रुपए फोकट में मिल रहा, 10,000 रुपए घर टैक्स बैठ रहा, इसमें फायदा क्या? कांग्रेस को देना है, कांग्रेस को लेना है। और वो जो अब की बार मोदी सरकार 400 जो कंट्रोल फ्री का खाते
जो आईडी लोग है वो तो आपकी बार चिल्लाएंगे, हम काय को बार चिल्लाएंगे, इस बार कांग्रेस चिल्लाएंगे हम। क्या बराबर है? बुजुर्गो का लेकर कांग्रेस की कुछ भी करा, काम ही नहीं करो, बहुत बोले बोल दिया कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार। मैं तो बीजेपी वाला हूँ, बीजेपी वाले इस बार मोदी सरकार, इस बार मोदी सरकार 400 पार 406 पार मजाक कर रहे हो, 406 सच्ची 406। आप बताओ। मैं कांग्रेसी, कांग्रेस कांग्रेस चारों तरफ कांग्रेस है, बंडेरा में पूरा कांग्रेस है, पूरा कांग्रेस बंडेरा। ऐसा क्यों बोले तो मतलब बंडेरा में इतना कांग्रेस क्यों, मोदी ने क्या किया? 20 साल से भाई को चुनके लाए, रवि राणा को चुनके लाए, काम गरीबों के मजबूरी के हुए नहीं, झूठे वादे झूठे सियासत चल रही, इसलिए पब्लिक ने अपना जहन की हालत बदल दिए कि अब की बार कांग्रेस को देना है, नए परिंदा चुनके लाना है, बस आगे किसी की कोई नाराजगी नहीं। कौन है? वानखड़े। और वो अपने प्रहार के दिनेश बुक, बाकी पार्टियों से हमको कोई नाराजगी नहीं है, हमको पंजे को देना है देना है, बाकी कोई पार्टियां से हमको नाराजगी नहीं है, उनके जो क्या क्या बाकी वो उनके जगहों पर सहमत है, हम हमारे जगहों पर सहमत है। बढ़ने रहा हमें विकास क्या नहीं हुआ बताओ भैया, में विकास ही नहीं ना, कुछ भी विकास ही नहीं हुआ ना बंडेरे में, नहीं आश्वासन पे दिए। क्या माहौल है अभी? माहौल हम टाइम पे देखेंगे, टाइम पे क्या देखना, टाइम आ गया ना, अभी आएंगे जब आएंगे अभी देखेंगे ना। मोदी सरकार अभी अभी कोई सरकार का बोलना नहीं हमको, नवनीत राणा वो किसी की बात ही नहीं करना है, करनी नहीं है, सब जो डायरेक्ट वोट करना है, गुप्त दान। क्या बोलते काका? बोल दिए ना पंजा, पंजा बोल दिए, बोल दिए, खत्म। भगवान तू कभी मत करशी, मतदान कभी करशी? क्या लगता काका, क्या किसकी हवा है इस बार चुनाव में? पंजा कमल, पंजा या कमल? एक बताओ। हम तो पंजा ले, पंजा ले। क्यों? बहुत हो गई ना चाय, ज्यादा गरम करके पीने से, तीन बार गरम चाय तो पी रहे अब, और चाय वालों के साथ गद्दारी, तो तीसरी बार गरम करेंगे तो जहर बन जाएगी बोलते भाई। अच्छा ये बहुत दो बार दिए ना चाय को मौका, दो बार दिया, अभी तीसरी बार नहीं, नहीं हमने, आप चाय पी लो लगे। तो अभी यहाँ पे चार टाइम से रवि राणा है, पिछली बार नवनीत राणा को भी अच्छा वोटिंग है, तो इस बार क्या है? हमको नवनीत राणा से कोई लेन देन नहीं है, बीजेपी से है। बीजेपी से क्यों? गरीबों के हक में नहीं है मैडम, गरीबों के नहीं, जातिवाद का काम है, धर्म के नाम पे वोट मांग रहे, मंदिरों से तरक्की होती है, अब टीवी पे डाल देंगे मेरे को। हाँ बिल्कुल, वही जाने वाला ही है। और आप बताओ ना, तरुण पीढ़ी ऐसे यूथ रहता क्या भाग रहे, बताओ किसको करेंगे वोट? डालूंगे नहीं, बलवंत भाव डालेंगे नहीं, नोटा को डाल देना, नोटा को नहीं, मैं भाभी को डालूंगा। क्या बात कर रहे हैं? भाभी को डालेंगे, भाभी को नवनीत राणा। हाँ। इस बार फिर से, फिर से एक नंबर। भाग क्यों रहे सब? ये सब भाग रहे ना, ऐसा रहता क्या? भागेंगे बेचारे, क्या करेंगे, बोल भी नहीं रहे, मजबूर है बेचारे बोलने से। क्या भाई को चलाना है? किसको चलाना है? भाई को, भाई को, बीजेपी को। हाँ। अभी तो बोल रहे थे कि नहीं, अरे तो नहीं बोल रहे, टाइम पे बदल दिया, अभी फिर से बदलेंगे। काका अमरस है क्या घर पे? चलो घर पे अमरस है क्या? नहीं। हवा किसकी है इस बार चुनाव में? वो मत किसकी हवा है? अब हवा तो मैं कैसा बताएंगे मैडम, अरे मैं मोदी की हवा है, कांग्रेस की है, आए तो मोदी की, मोदी की हवा है। हाँ। बटनेरा को किसको करना है वोटिंग अभी?
बढ़ने रखो नवनीत राणा को, नवनीत राणा को हाँ फिर से फिर से आप देखो भाई क्या था क्या नहीं।